सो हे गाइस, आई एम शिव। वेलकम बैक टू योर चैनल शिवर नो। सो गाइस, कैसे हो आप लोग, जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मुझे जरूर बताना। तो गाइस, दो तीन वीडियो तो ऐसे देखिए। अब वैलेंटाइन डे के दिन बहुत लेट, मतलब वैलेंटाइन डे का वीडियो बहुत लेट। तो गाइस, क्या था वैलेंटाइन डे के दिन स्पेशल मेरा? तो गाइस, स्पेशल तो वैसे कुछ नहीं था। मैंने जैसे कि बताया आपको, वो वीडियो भी मैंने पोस्ट किया है, तो वो सब कोई भागा दौड़ी तो हो गई थी। बट उसी दिन मैंने शाम को अर्णव को फोन किया था। बहुत दिन के बाद फोन किया मैंने अर्णव को, और बहुत अच्छे से हमने बातें की। तो उसमें कुछ बातें एक दूसरे के साथ, मतलब जानने के लिए एक्साइटेडमेंट बहुत थी हम दोनों की। तो बात तो बहुत अच्छे से हो गई हमारी, और इवन मैंने मम्मी जी से भी बात की। मम्मी जी बहुत खुश हो गई थी मुझसे बात करके। पर उसमें ना, मतलब अर्णव ने मुझे एक बात बताई थी कि तुम ना जब कोलकाता में थे तब दीदी के बच्चों से तुम ज्यादा प्यार नहीं करते थे। तो मतलब देखो गाइस, प्यार करने के ना दो तरीके होते हैं। कोई ना स्ट्रिक्टली प्यार करता है और कोई सॉफ्टली प्यार करता है। मेरा बच्चों के साथ जो प्यार करने का तरीका होता है ना, वो जरा स्ट्रिक्टली है, और अर्णव को प्यार करने का तरीका जो है ना, वो सॉफ्टली है। अर्णव जब किसी बच्चे के साथ प्यार करता है ना, तो वो बच्चा ना अर्णव के बारे में ज्यादा मारा जपता है, अर्णव को ज्यादा पसंद करता है। पर मैं अगर किसी बच्चे के साथ प्यार करता हूँ ना, तो मैं प्यार के साथ साथ उसे वहां पर रोकता भी हूँ जहां पर उसकी गलती होती है, मैं उसको चिल्लाता भी हूँ। वैसे ये बच्चे भी मतलब जो अभी मेरे घर में, मतलब दादी के घर में आप जो बच्चे देखते हो, और वहां पर भी अर्णव के घर में अगर कोई गलती होती थी, अगर वो गलत कुछ करते थे, वहां पर मैं चिल्लाता था उनपे। मैं ये नहीं देखता था कि ये हमारे बच्चे या फिर ये उनके बच्चे, तो उनके ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने हक से उनके साथ मतलब जो कुछ भी, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उनको जितना मैं खाने पीने के लिए कभी कमी नहीं करता हूँ हमेशा। अगर आप एक बात नहीं सोचते तो मतलब इन बच्चों को भी पता है, इवन मेरे घर वालों को भी पता है कि जब भी मैं पुणे से आता हूँ या फिर जब भी कहीं आउट से आता हूँ, तो इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके मैं जरूर खाने के लिए आता हूँ। क्योंकि हाँ, मैं मतलब उनसे प्यार करता हूँ, बट गाइज मेरा प्यार करने का तरीका अलग होता है। क्योंकि देखो, अगर सभी लोग अगर एक बच्चे के साथ सॉफ्टली प्यार करेंगे, तो वो बच्चा ना किसी से डरेगा नहीं। तो बच्चा कोई किसी से तो डरना चाहिए, इसलिए ना मैं स्ट्रिक्टली बिहेवियर करता हूँ। तो अभी गाइज दीदी भी बहुत चिल्ला रही है, बहुत आवाज दे रही है। तो गाइज देखिए, अर्णव से बहुत सारी बातें हो गई थी एक वीडियो में, बताना बहुत, क्योंकि एक डेढ़ घंटे का कॉल हुआ था, तो आप समझ सकते हो कि कितनी सारी बातें की थी हमने। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो अर्णव की और मेरे बीच की बातें क्या हुई थी क्या नहीं, तो मुझे जरूर कमेंट कर देना। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी, शायद अगर हो सके तो मैं पूरा का पूरा ऑडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर मैंने और अर्णव ने बहुत अच्छी सी बातें की थी। तो जरूर देखना, अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको वो ऑडियो भेज सकूं। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं नहीं भेजूंगा, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। और हाँ, दीदी की भी आपको स्टोरी अगर जाननी है, तो मुझे उसके लिए भी कमेंट कर देना, तो दीदी की भी स्टोरी हम जरूर सुनेंगे, और शायद क्या पता अगर आप में से कोई मदद भी कर सकते हैं उसके लिए। तो गाइज, जैसे शिव की लाइफ दिखती है वैसे है नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा मतलब उलझी हुई है, जहां पर मुझे हर एक चीज में बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ता है। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि इतनी कम उम्र में मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई है ना, कि जहां पर मुझे डर लगता है कि इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कर अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो इन लोगों का क्या होगा। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें है। एनीवेज गाइस, तो देखिए, कहने का मतलब यही है कि मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी होके भी मैं इस फील्ड को जी रहा हूँ, इस फील्ड में अपना मतलब एक होता है ना, एक वजूद बनाने की सोचता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, मतलब मोटिवेट मिल सकता है गाइस आपको इस बात से। तो जान दो, इस बारे में कभी और बात करेंगे, अभी जस्ट मुझे निकलना है, चाय भी मेरी ठंडी होती जा रही है। मैं अभी जस्ट पुणे के लिए निकल रहा हूँ, और लगभग 3 घंटे का मुझे ट्रैवलिंग करना है बाइक पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, इवन शाम भी हो जाएगी रास्ते में। तो कोई नहीं, आगे की वीडियो आप जरूर इंजॉय करना। तो गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।